हाय दोस्तों, आइए हम लोग आज मिक्सर के बारे में चर्चा करेंगे क्लास में। ठीक है, हम लोग मिक्सर को कैसे पढ़ना चाहिए उसके बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मिक्सर में देखिए दोस्तों, हम लोग क्या सीखते हैं आज, मिक्सर एंड एलिगेशन। ठीक है, तो इनमें से क्या करते हैं हम लोग, एक एग्जाम्पल से मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, एक होती है सस्ती वस्तु, एक होती है महंगी वस्तु। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, सस्ती वस्तु हम लोग जो खरीदे हैं वो 20 रुपया पर केजी, और महंगी आर्टिकल जो हम लोग खरीदे हैं वो 30 रुपया पर केजी। ठीक है, अब मैं अपनी घर लाए, उसके बाद जो हमारे पास आर्टिकल खरीद के मैंने लाए थे 20 रुपया और 30 रुपया केजी के भाव से, तो उस आर्टिकल को मैंने घर में लाकर क्या किया, मैं वो लोग मिक्स किया। पहले सस्ता और महंगा आर्टिकल जो हम लोग खरीद के लाए थे ना, उस आर्टिकल को मैंने क्या किया दोस्तों, मिक्स किए। क्या किए, मिक्स किए, और मिक्स करने के बाद उस आर्टिकल को मैंने एक फिक्स प्राइस रखा अपने तरीका से, और उस प्राइस में ही हम क्या करने लगे, अपना ग्राहकों को, अपने ग्राहकों को बेचने लगे। ठीक है ना, हम लोग अपने ग्राहकों को क्या करने लगे, बेचने लगे। तो यहाँ पर देखिए, मैंने 20 रुपया पर केजी और 30 रुपया पर केजी खरीद के लाए थे, और उसको अब हम लोग ने क्या किए, मिलाकर 27 रुपया पर केजी के भाव से उसकी प्राइस मैंने रख के, और उसी भाव में हम लोग बेचने लगे। तो हम लोगों को ये पता करना होगा, क्वेश्चन में बोलेगा कि देखो भाई, हम लोग एक सस्ती वस्तु, एक महंगी वस्तु, एक 20 रुपया पर केजी, एक 30 रुपया पर केजी, और उसको हम लोग एक मिक्स करके 27 रुपया पर केजी के भाव से बेच रहे हैं। तो बताओ भाई कि आपने वहाँ पे 20 रुपया केजी की सामान और 30 रुपया केजी के आर्टिकल को कितनी मात्राओं में मिक्स किए थे, उसको हम लोग कैसे पता करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों पता चला कि सस्ता वस्तु हम लोग 3 यूनिट मिलाए थे, महंगा वस्तु हम लोग 7 यूनिट मिलाए थे। अब देखिए 3 यूनिट 7 यूनिट कितना होता है, आप लोग जान ही जाइए दोस्तों। ठीक है ना, अब आप लोग जान ही जाइएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना, उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं एक दूसरा एग्जांपल से दोस्तों। उसके बाद हम लोग इस टाइप से हम लोग 4 से 5 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, 4-5 तरीका से क्वेश्चन, मतलब 4-5 प्रकार का क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है दोस्तों। जैसे कि अभी हम बताने की कोशिश तो करते हैं, तो देखिए यहाँ पे, जैसे कि देखिए एक सस्ती वस्तु है दोस्तों। ठीक है ना, सस्ती सस्ती वस्तु, और एक है महंगी महंगी वस्तु। ठीक है, एक सस्ती वस्तु और एक महंगी वस्तु। सस्ती वस्तु 1 रुपया पर केजी मिलता है, और महंगी वस्तु 20 रुपया। ठीक है, 20 रुपया पर केजी मिलता है। ओके, वेट से रिलेटेड हम लोग मिक्सर एंड एलिगेशन के बारे में बात करते हैं दोस्तों। फिर हम लोग किलोमीटर के भाव में भी बात करेंगे, फिर हम लोग किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, फिर हम लोग लीटर के भाव में भी हम लोग बात कर सकते हैं, मतलब जितने भी यूनिट होता है। बट हम लोग एक चीज़ को डिटेल से बताऊंगा, टेंशन ना लीजिएगा। ठीक है ना, उसके बाद हम लोग इस दोनों को मिलाने के बाद इसका एक भाव मैंने एक प्राइस डिसाइड किया, 80 रुपया पर केजी। ठीक है ना, अब दोस्तों एक बात याद रखिएगा, ये जो होगा इससे बड़ा होगा, इससे जो होगा ये छोटा होगा, याद रखिएगा। ठीक है ना, ठीक है, ए ग्रेटर देन, ठीक है ना, बी मतलब सी ग्रेटर देन ए होगा, और बी ग्रेटर देन सी होगा, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, प्राइस ऐसे होगा क्योंकि ये महंगी वस्तु है दोस्तों, महंगी वस्तु है तो प्राइस उससे कम में रखना होगा, सस्ती वस्तु है तो इसका प्राइस इससे ज़्यादा रखना होगा। अब इसमें माइनस करेंगे दोस्तों, तो बी माइनस ए होगा, बी माइनस सी होगा, इसमें इसको माइनस करेंगे तो सी माइनस ए होगा, इसको हम लोग कह सकते हैं एम, इसको हम लोग कह सकते हैं एन। ठीक है ना, ये जो हमारा रेशियो बना दोस्तों क्वांटिटी का,
किसका, क्वांटिटी का जो रेशियो बना वो बना एम इज टू एन के फॉर्मेट में, एम इज टू एन के रूप में। यहाँ पे जो हमारा रेशियो बनी वो एम इज टू एन के रूप में, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों इस पर आधारित कैसे क्वेश्चन, अगर आपको क्वांटिटी फाइंड करना है किस रेशियो में मिक्स किया है तो कैसे फाइंड कीजिएगा, देखिए यहाँ पे हम लोग गए एक दुकान, ठीक है ना, मार्केट गए दोस्तों। मार्केट जाने के बाद मैंने क्या किया, 20 रुपया पर केजी या फिर 120 रुपया पर केजी और एक सामान ख़रीदा दोस्तों। एक ही सामान ख़रीदना था, वो एक सस्ती मिला, सस्ती वस्तु का दाम है, ठीक है ना, या फिर घटिया प्रकार का वस्तु का दाम है, ठीक है। एक दूसरा इसी मटेरियल का था दोस्तों, जो एक मंगी थी, मंगी वस्तु, जिसका प्राइस था दोस्तों 140 रुपया पर केजी, ठीक है ना, पर केजी। अब मैंने क्या किया, दोनों को मिक्स किया। अब दोनों को मिक्स करने के बाद मैंने एक प्राइस डिसाइड किया, कितना आप जानते हो, मैंने सोचा कि चलो यार 135 रुपया पर केजी मैंने इस सामान को क्या कर दूंगा, बेच दूंगा, डील कर दूंगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे जो रेशियो होगा ना, वो इनमें से इसको माइनस करेंगे दोस्तों 5, और इसमें इसको माइनस करेंगे तो 10, तो हम लोगों को पता चला 1:2। नहीं, हम लोग सस्ती वस्तु को 1 यूनिट मिलाते थे, महंगी वस्तु को 2 यूनिट मिलाते थे। तो यहाँ पे हम लोगों को ये पता चला कि क्वांटिटी हम लोग कितने रेशियो में मिलाए थे, ठीक है ना। तो हम लोग क्वांटिटी यहाँ से पता चल गया दोस्तों। अब हम लोगों के पास क्या कहेगा कभी कभी क्वेश्चन में, देखिए ये हो गया रेशियो फाइंड हो गया टाइप नंबर 2। अब देखिए टाइप 2 में क्या करेंगे, ए रुपया पर केजी है, ठीक है ना, ए रुपया पर केजी है, और एक वस्तु का दाम 20 रुपया पर केजी है, ठीक है ना। और उसी को दोस्तों मैंने क्या करूँगा, देखिएगा यहाँ पे इसको 80 रुपया पर केजी रखूँगा, 80 रुपया पर केजी रखूँगा, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे मान लिया जाए ये रेशियो नहीं पता, ठीक है, ये मिक्स कितना में किया था मैंने, मिक्स एवरेज जो प्राइस था वो मुझे पता नहीं था, ठीक है, ये पता नहीं था। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, देखिए इसको हम लोग M1, M और N, मतलब हम लोगों को रेशियो पता था कि क्वांटिटी जो हम लोगों को मिक्स करना था वो मान लिया जाए कि यहाँ पे ए रुपया पर केजी था और ये क्वांटिटी है दोस्तों 20 रुपया पर केजी है, ये N क्वांटिटी है। अब हम लोगों को पता करना है कि 20 रुपया केजी जो है वो N क्वांटिटी है, N केजी है, ठीक है ना, और एक ए रुपया केजी जो है वो M क्वांटिटी है। तो ये जो क्वांटिटी है, ये जो मात्रा है दोस्तों, इस मात्रा को हम लोग क्या करेंगे, अगर इसका वैल्यू पता करना है C का, तो क्या करना पड़ेगा, इनको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा A इंटू एम प्लस बी इंटू एन, बी इंटू एन बाय एम प्लस एन, ठीक है। ये हम लोगों के पास क्या आ गया दोस्तों, वैल्यू आ गया, ये हमारे पास क्या आ गया दोस्तों, वैल्यू आ गया। तो यही सब चीज़ों को हम लोगों को जानने का कोशिश करना है, ये हम लोगों का कैसे आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिए, इसको इससे मल्टीप्लाई, प्राइज इंटू क्वांटिटी और बटे क्वांटिटी का सम, दो, तब हम लोगों का यहाँ से एवरेज पता चल गया। अब हम लोगों को देखिए दोस्तों, ये तो हो गया, अब चलिए एक एग्जांपल से अब समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि 25 रुपया पर केजी, ठीक है ना, राइस है, ओके, और यहाँ पे क्या है दोस्तों, RI राइस है, ओके, और एक राइस है, ये ख़राब प्रकार का राइस है, ठीक है ना, ये मान लेते हैं हम लोग क्या है, ख़राब राइस है, और एक दूसरा है अच्छा राइस, ठीक है ना, अच्छा राइस है, ठीक है, वो है दोस्तों 45 रुपया
₹45 पर केजी है, ठीक है ना। अच्छा राइस जो है दोस्तों वो ₹45 पर केजी है, ओके ₹45 पर केजी है, ओके। अब देखिए इसको और इसको हम लोग ने क्या कर दिए, मिक्स करने के बाद पता नहीं था किस मतलब कितने रुपया के भाव से मैं इस सामान को बेचूं, बट इसका क्वांटिटी पता था दोस्तों। क्वांटिटी जो पता था वो था 1:2, ठीक है ना, 1:2 था। इसको क्वांटिटी दिया हुआ था, ये जो मिलाया गया था, मिक्स जो किया गया था दोस्तों, वो 1:2 के रेशियो में मिक्स किया गया था, ठीक है ना। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखने की कोशिश करेंगे, अब इनको इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इनको इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे जो होगा दोस्तों वो होगा 25 और प्लस 45 दूनी 90 बाय 2, तो ये हो जाएगा 115 बाय 2, ठीक है ना, 115 बाय 2, यही होगा ना यार, 25 45 दूना 90, हाँ 115 बाय 2, तो ये हो जाएगा कितना, 55, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया ना, बहुत ज़्यादा हो गया यार। तो फिर हम लोग ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा हो गया, तो यहाँ पे हम लोग ये भी तो कर सकते हैं, या तो फिर देखिए दोस्तों 2:1 की मात्रा में मिलाते हैं, ठीक है, क्वेश्चन में, बट मैं क्वेश्चन खुद से लिया था, तो यहाँ पे 50, ठीक है, और यहाँ पे 45, तो हो गया 95, तो इसको आधा करो दोस्तों, तो कितना हो जाएगा, आधा करने के बाद ये हो जाएगा कितना, 47 पॉइंट कुछ हो जाएगा, ठीक है ना, 47.5 रुपया पर केजी। तो हम लोगों का ये पता चल गया, इसको आधा करने के बाद आएगा 47.5 रुपया पर केजी, ठीक है। तो ये बात हम लोगों को याद रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि यहाँ पे जो रेशियो मिक्स कीजिएगा ना वो बहुत ज़रूरी होता है कि आपको सफिशेंटली याद रखना, क्योंकि यहाँ पे रेशियो किस अनुपात में मिलाएंगे वो बात जानना ज़रूरी होती है। तो चलिए वो सब तो कोई दिक्कत नहीं है, बट 2:1 की मात्रा में हम लोग ले लिए थे दोस्तों। आइए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। जैसे कि मान लिया जाए एक क्वेश्चन है, तीसरा प्रकार का क्वेश्चन, समझने का कोशिश कीजिएगा, रेशियो कैसे निकाले वो तो पता चल गया दोस्तों, नहीं पता चला तो फिर एक क्वेश्चन से बता देते हैं। देखिए यहाँ पे मान लेता हूँ कि ₹40 पर केजी, ठीक है ना, ₹40 पर लीटर मिल्क था, और एक मिल्क का प्राइस था ₹50 पर लीटर था, ठीक है। आपने क्या किया, देहार ने उसका जो क्वांटिटी था दोस्तों वो 1:1 में मिला दिया, ठीक है ना, 1:1 में मिला दिया, ओके। तो बताइए हम लोग इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, और क्वांटिटी का क्या करेंगे, सम करेंगे। वहाँ पे हम लोग पिछला क्वेश्चन में कुछ गलत था नहीं, हाँ क्या गलती था दोस्तों, यहाँ पे देखिए जैसे कि, हाँ बिल्कुल सही बात है, मैं पिछला क्वेश्चन में कुछ गलत कर दिया था, ठीक है, आई एम कुछ गलत किए थे पिछला क्वेश्चन में दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहले हम लोग इसको बना लेते हैं, फिर पिछला क्वेश्चन को थोड़ा सा रिकॉल कर देंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 प्लस 50 बाय 1:1, 1 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा 2, तो 90 बाय 2, तो 45, तो इसका प्राइस होगा ₹45 पर केजी पर लीटर, ठीक है ना। वो जो मिक्स करने के बाद वो जो प्राइस रखा दोस्तों अपनी, जो भी चीज़ होगा मिल्क है, मिल्क का जो प्राइस रखा ₹45 पर केजी इस भाव में, इसका हम लोग एवरेज वैल्यू पता कर लिए। तो आइए हम लोग थोड़ा सा इसका किस भाव में मिक्स किए थे, एक चीज़ हम और बताने की कोशिश करते हैं दोस्तों, क्या जैसे कि मान लिया जाए एक था क्वेश्चन ₹25 पर केजी, ठीक है ना, और दूसरा था दोस्तों ₹45 पर केजी, ठीक है, और इसको मिक्स किए थे 1:2 के फॉर्मेट में, 1:2 के फॉर्मेट में, गलत नहीं था दोस्त, मैंने गलती थोड़ा सा किया था। तो देखिए यहाँ पे ये जो रेशियो होता है ना, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना,
तो यहाँ पे जैसे मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये बात हम लोगों को पता चलेगा दोस्तों कितना में मल्टीप्लाई किए, तो ये हुआ 25 और प्लस 90 बाय 2, नहीं 2 नहीं, यूनिट कितना है 1:2, तो 3 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। तो 115/3, 3 3 9, ठीक है ना, 3 3 9 2 8.34, ठीक है ना, 38 रुपया 434 इतना पैसा पर केजी की भाव से हम लोग सामान को क्या किए थे, बेचे थे। पिछला क्वेश्चन भी गलत नहीं था, बट थोड़ा सा मुझसे मिस्टेक हो गया था। हम लोग ने जो क्वांटिटी को हम 1:1 के भाव में हम सोच कर 2 से डिवाइड कर दिए थे, इसके लिए आप लोग से सॉरी दोस्तों, ठीक है। आइए हम लोग थोड़ा सा और आगे देखते हैं, ठीक है। कल से क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों, आज बस बेसिक बता लेता हूँ, कल से क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि मान लिया जाए, एक बात मैं बोलना चाह रहा हूँ कि गर्ल्स है और यहाँ पे बॉयज है, एक स्कूल में 30 kg पर स्टूडेंट गर्ल्स है दोस्तों, और वही स्कूल में दोस्तों 45 kg पर स्टूडेंट्स है, ठीक है ना। अब हम लोगों को पता करना है, जबकि वहाँ पे स्टूडेंट का जो रेशियो है वो 40 गर्ल्स है और 50 बॉयज है, 40 गर्ल्स है 50 बॉयज है, तो इसका जब रेशियो लिखेंगे तो कितना, 4:5, ओके 4:5, ओके। तो हम लोगों को ये पता करना है दोस्त, क्या हम लोगों को ये पता करना है कि उस स्कूल में गर्ल्स और बॉयज़ का दोनों को मिलाकर एवरेज वेट जो है वो पर स्टूडेंट का कितना एवरेज है। तो हम लोग ने क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 12 120 प्लस, और ये हो जाएगा 45 5 कितना हो जाता है 225, नहीं 45 5 वही ना होगा, 45 5 225, 5 25 5 20, ठीक बाय, इसको ऐड करेंगे 9, तो ये हो जाएगा दोस्तों कितना हो जाएगा 245 नहीं 345/9, तो 9 से डिवाइड करूँगा तो कितना बार में जाएगा, 9 से डिवाइड करो ना, 3 बार में, और फिर 27 3 4 7 5 8 72, ठीक है, और बच्चा वहाँ पे 3 0 3 3 4 ले लो ना यार, मतलब 38.34 पर केजी स्टूडेंट्स है, मतलब इतना केजी इतना ग्राम पर स्टूडेंट है, ये एवरेज वहाँ का उस स्कूल की एवरेज हम लोग क्या बता रहे हैं कि वहाँ का जो पर स्टूडेंट की एवरेज वेट जो है वो 38 kg 34 ग्राम पर स्टूडेंट की वेट है, ये एवरेज बताएं दोस्तों। बट हम लोगों को स्टूडेंट का एज कभी कभी पता नहीं रहेगा, उसका रेशियो पता कभी कभी देता है। आपकी बार तो हम स्टूडेंट बता दिए थे कि 40 गर्ल्स था और 50 बॉयज़ था, बट यही इसी में चौथा प्रकार का जो क्वेश्चन आता है दोस्तों वो कैसा आता है, जैसे कि स्कूल में मान लेता हूँ यहाँ पे गर्ल्स और यहाँ पे बॉयज़ हैं, ठीक है। आपको दोस्तों आपकी बार क्या किया है कि बताना है कि नंबर ऑफ वेट गर्ल्स का क्या है पर स्टूडेंट का, कैसे पता करना है, आपकी बार यहाँ पे हम लोगों को फलनामा नहीं दिया है, इसमें भी नहीं दिया है, ठीक है ना। अब हम लोगों ने क्या करेंगे, यहाँ पे बताया है कि 40 केजी पर स्टूडेंट है, ठीक है, बट यहाँ पे रेशियो दे दिया है 2:1, ओके 2:1, और यहाँ पे जो वैल्यू दिया है दोस्तों वो क्या दिया है, 2:1 यहाँ पे जो वैल्यू दिया है ना वो दिया है आपका 36 केजी
पर स्टूडेंट, ठीक है, 36 kg पर स्टूडेंट। अब इनमें से इसको माइनस करेंगे तो 2 यूनिट बराबर 4 kg को रिप्रेजेंट कर रहा है, 4 kg को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक यूनिट इज इक्वल टू कितना होगा, 2 kg, एक यूनिट इज इक्वल टू 2 kg। तो 2 यूनिट इज इक्वल टू 2 इंटू, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 2 kg हो जाएगा। तो बताइए यहाँ से 2 kg को ऐड कर देंगे या इसमें ऐड कीजिएगा या क्या कीजिएगा, बताइए आप लोग। यहाँ पे 2 kg, ठीक है, तो 2 kg को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 38 kg पर स्टूडेंट। गर्ल्स का जो एवरेज वेट था दोस्तों वो 38 kg पर स्टूडेंट था, ठीक है ना। बट बॉयज का पता था, रेशियो पता था, एवरेज वैल्यू पता था, तो चलो गर्ल्स का वेट पता कर लिए, ठीक है ना। तो ये होता है तरीका। अगर कभी कभी गर्ल्स का नहीं दिया रहे तो फिर अभी तुरंत देखिए दूसरा दोस्तों। इसी में एक पांचवा प्रकार का जो क्वेश्चन बनता है दोस्तों वो क्या बनता है, आप लोग उसको भी देखने की काम कीजिए। जैसे कि हम लोग ने क्या देखे यहाँ पे, GIRL गर्ल्स और यहाँ पे है आपका बॉयज, ठीक है ना। यहाँ पे गर्ल्स और बॉयज की कहानी है। इसमें दोस्तों आपकी बात 38 kg पर स्टूडेंट गर्ल्स है, जबकि बॉयज आपकी बार यहाँ पे क्या किया हो दोस्तों, यहाँ पे देखिए 36 kg पर स्टूडेंट है, जबकि रेशियो में दिया हुआ है 2:1 दोस्तों, ठीक है ना, 2:1। अब इनमें इसको माइनस करेंगे तो 2 kg, 1 यूनिट इज इक्वल टू 2 kg पर स्टूडेंट है। मतलब ये आ गया आपका क्या, 2 यूनिट आ गया दोस्तों। इसमें इसको माइनस करने के बाद इतना आ गया, तो 2 यूनिट इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 kg पर स्टूडेंट। अब इसको इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 kg पर स्टूडेंट। ये हुआ बॉयज़ का वेट। ये किसका वेट हो गया दोस्तों, बॉयज़ का वेट हो गया, ठीक है। ये किसका वेट हो गया, बॉयज़ का वेट। ऐसे ही हम लोग यहाँ पे गर्ल्स का वेट कभी नहीं पता रहेगा, कभी पता करना है तो बॉयज़ का वेट दिया रहेगा, एवरेज वेट दिया रहेगा। तो फिर ऐसे हम लोग चीज़ों को क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग ने क्या किए, ये कैसे पता करना है, 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 हम लोग हर चीज़ को पता करने का एक तरीका सीख गए हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में हम लोग कभी कभी क्या दिया रहेगा, अगर एवरेज वेट देगा, बॉयज का वेट दिया रहेगा, रेशियो दिया रहेगा, तो गर्ल्स का वेट नहीं पता कर सकते, आराम से पता कर सकते हैं। कभी कभी अगर गर्ल्स का वेट दिया रहेगा, बॉयज का वेट पता करना है, एवरेज वेट दिया रहेगा, रेशियो दिया रहेगा, तो क्या हम लोग बॉयज का वेट पता नहीं कर सकते, आराम पता कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम लोग का गर्ल्स का वेट दिया रहेगा, बॉयज़ का वेट दिया रहेगा और रेशियो भी दिया रहेगा कि 2:1 है, तो बताइए कि उस स्कूल का एवरेज वेट क्या है, तो क्या हम लोग नहीं पता कर सकते हैं, आराम से पता कर सकते हैं। तो कभी कभी हम लोगों को, अगर हम लोगों को गर्ल्स का वेट दिया रहेगा, बॉयज़ का वेट दिया रहेगा, एवरेज वेट दिया रहेगा, अब बोल देगा कि हम लोगों का रेशियो पता कीजिए कि उस स्कूल में बॉयज़ और गर्ल्स जो है किस यूनिट में है, तो 2:1 के यूनिट में है, ये क्या हम लोग पता नहीं कर सकते हैं, आराम से पता कर सकते हैं। हर चीज़ को हम लोग ने क्या कर सकते हैं, एकदम इजी वे में हर चीज़ को पता कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज की क्लास आपका यहीं तक रहेगी और कल से हम लोग क्वेश्चन इसका बनाना शुरू कर देंगे, ठीक है। और कल रेशियो का पता कराए, कल रेशियो द्वारा कैसे हम लोग मिक्स करते हैं दोस्तों, कल रेशियो वाला प्रोसेस बताएंगे, ठीक है ना। तो दो, एक कंडीशन तो ये हो गया, दूसरा कल रेशियो वाला बताएंगे, तीसरा हम लोग कभी वेट बढ़ाई जाती घटाई जाती है, कुछ भी होता है ना, एक्स रुपया बढ़ गया, एक्स रुपया घट गया, उस पर तीसरा कंडीशन बताएंगे दोस्तों। और चौथा कंडीशन, रेशियो तो है ही, ठीक है ना, और एक चौथा कंडीशन होता है फॉर्मूला। बस यही चार कंडीशन अगर अच्छा से आप लोग सीख जाइएगा ना, तो मिक्सचर एनालिगेशन का ऑल क्वेश्चन आप लोग से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। आज की क्लास आपका यहीं तक, जय हिंद दोस्तों।